मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप 10th क्लास और 12th की इट मीन्स 10वीं और 12वीं की मार्कशीट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आसान तरीके से। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है, वीडियो को मिस नहीं करना। अगर आप वीडियो मिस करेंगे तो आप प्रोसेस समझ नहीं पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें अपने प्ले स्टोर पर आ जाना है। प्ले स्टोर पर आने के बाद आपको टॉप में एक सर्च बॉक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ टाइप कर लेना है डिजी लॉकर अकाउंट। तो हमने टाइप कर लिया। टाइप करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा ऐप का, तो आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ये मैंने ऑलरेडी पहले से डाउनलोड कर रखा है, मैंने, तो आपको इस तरीके से ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं एक इन्फॉर्म कर देता हूँ कि इसमें आपको ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, गवर्नमेंट का पोर्टल है, ऐप है, जिसके थ्रू आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पहले डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट कर लेना है। इट मीन्स इसमें अकाउंट बना लेना है, डिजी लॉकर ऐप में अकाउंट बना लेना है। तो ये अगर आपको अकाउंट कैसे बनाना है तो मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, तो आप वहाँ जाकर इसको ओपन करके वीडियो को देख के अकाउंट बना सकते हैं। तो मैंने ये ऑलरेडी पहले से अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है, तो मैं आपको बताता हूँ 10th और 12th की मार्कशीट, हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट कैसे डाउनलोड करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ देखने को मिल रहा है पैन वेरिफिकेशन कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट क्लास 10th मार्कशीट। तो हमें इस पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपको टॉप में एक सर्च बॉक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस सर्च बॉक्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ टाइप कर लेना है जो भी आपका बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, जो भी इट में जो भी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी, जो भी बोर्ड है, जिस भी स्टेट से आपका बोर्ड है या महाराष्ट्र से है। तो यहाँ मेरा जो बोर्ड है, मेरा यूपी बोर्ड है, तो यूपी स्टेट बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट। तो यहाँ मुझे जो अपनी मार्कशीट जो डाउनलोड करनी है वो मुझे हाई स्कूल की 10th क्लास की मार्कशीट डाउनलोड करनी है 10वीं की। तो यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ अपना रोल नंबर मेंशन कर देना है। तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ इस तरीके से। करने के बाद आपने किस साल में पास किया था, पैसेट करी थी आपने, जो पास जो करा था वो आपने किस सन में करा था, तो आपको यहाँ वो सन सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने 2015 में करी थी 10th क्लास। देन इसके बाद हमें देखने को मिल रहा है गेट डॉक्यूमेंट, तो हमें इस पर क्लिक कर देना है इस तरीके से। आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से जो मेरी मार्कशीट थी इस तरीके से डाउनलोड हो चुकी है। तो आपको ये मार्कशीट, तो गाइज आपको ये मार्कशीट डाउनलोड कैसे करनी है तो मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से जो पोर्टल था, जो ऐप था, इसमें ये डाउनलोड हो चुकी है। तो इसको डाउनलोड कैसे करना है, मतलब जो हमारे डॉक्यूमेंट हमारे जो फाइल में आ जाए, तो इसके लिए हमें अब 3 डॉट की लाइन देखने को मिल रही है। हमें 3 डॉट की लाइन पर क्लिक करना है। 3 डॉट की लाइन पर क्लिक करने के बाद हमें व्यू PDF पर क्लिक कर लेना है इस तरीके से। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें इस तरीके की हमारी जो मार्कशीट है वो शो हो जाएगी, ओरिजिनल मार्कशीट। तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप चाहें तो ये डाउनलोड का आइकन देखने को आपको इसको क्लिक कर देना है इस तरीके से, जो आपका जो मार्कशीट है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो आप इस तरीके से डिजी लॉकर अकाउंट में अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।